नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल नई सेप में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सेप पे दोस्तों नई रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, आज ब्रेड पकौड़ा, जो कि केवल 10 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई भी स्टफिंग नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाना। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 ब्रेड लिए हैं। हम यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। हमारे पास कुछ मसाले हैं, जैसे कि 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है। 1 कप से थोड़ा सा कम हम यहाँ पे बेसन लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रेड फ्राई करना है तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले बेसन में हम 1-1 करके सारे मसालों को डालेंगे। अगर आपको और तीखा और चटपटा खाना है दोस्तों, तो इसमें हम काली मिर्च वगैरह की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को इसमें डाल दिए हैं, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, एक साथ हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा बैटर है वो पतला हो जाएगा, फिर गाढ़ा करने में काफ़ी दिक्कत आएगा या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। इसका ना हमें बहुत पतला घोल बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है, एक मीडियम साइज का घोल बनाना है हमें। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब चलिए हम ब्रेड को काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड लिए हैं, इसे हम आधा आधा काटेंगे। आप चाहो तो एक साथ पूरा ब्रेड को फ्राई कर उसे बाद में काट सकते हो, बट हम इसे स्टार्टिंग से ही आधा आधा काट रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी हो सके। और यहाँ पे एक बात और दोस्तों, हम इसके साइड साइड का पार्ट नहीं निकाल रहे हैं, नहीं तो अक्सर जो है साइड वाला पार्ट वेस्ट हो जाता है। तो इसे हम इसके साथ फ्राई करेंगे, और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। इस तरीके से हम ब्रेड को काट लिए हैं, अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कढ़ाई है जिसमें कि हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। कढ़ाई हमारी गर्म थी दोस्तों, अब इसे हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। अब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो करीब 1-2 चम्मच के लगभग हम तेल जो है बैटर में डालेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हो, ताकि जो बैटर है वो काफ़ी स्मूथ बन सके और जो पकौड़े होते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये ट्रिक दोस्तों आप अपनाएंगे तो आपका ब्रेड पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा फूला फूला और अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हम इसे मिला लिए हैं। अब हम एक ब्रेड को लिए हैं, इसमें बेसन में डीप करेंगे और इसे ऑयल में डालेंगे। ऑयल जो हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो ऑयल को दोस्तों ध्यान देना है, पूरी तरह से गर्म होगा तभी आप इसमें ब्रेड को डालिएगा। यहाँ पे हम दूसरे ब्रेड को भी डीप करके अच्छी तरीके से डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ब्रेड को इसमें डाल दिए हैं। हम एक साथ बहुत ज़्यादा ब्रेड इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो ब्रेड जो है वो टूटने लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे 1-1 करके पलट भी लिए हैं। इसे दोस्तों लो फ्लेम पर हमें लगातार पलटते हुए फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो सके। तभी आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है, तो इसे हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लो फ्लेम पे इसे कर रहे हैं तो आपको फ्राई करने में 4-5 मिनट तक लग सकते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कर रहे हो तो पकौड़े आपके 2 मिनट में बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही झटपट बनता है। तो अभी आप देख सकते हो ये लगभग तैयार हो चुका है और पकौड़ा भी ब्राउन हो चुका है, ये निकलने के बाद और ज़्यादा अच्छा कलर ले लेगा। तो हम 1-1 करके इसे निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद दोस्तों इसका एक्चुअल कलर जो होता है कुछ इस तरीके से हो जाता है। तभी आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। दोनों तरीके से इसे आप चाय के साथ सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, या इसे बहुत झटपट बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड पड़ा है या आपको समझ भी नहीं आ रहा है आप क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनाया जाता है, तो इसे आप घर पर बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में सबको बहुत पसंद आता है। उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।